नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और हेड पल्मोनरी मेडिसिन हूँ। आज वर्ल्ड टीबी डे है। पूरे संसार में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड टीबी डे इसलिए मनाया जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाए। जब मैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करता हूँ तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि टीबी से डरने की आवश्यकता नहीं है। टीबी एक 100% ठीक होने वाली बीमारी है और हमेशा हम कहते हैं अगर दो शर्तें पूरी हों तो टीबी बिल्कुल ठीक हो जाती है, चाहे वो सेंसिटिव टीबी हो और इवन रेजिस्टेंट टीबी भी ठीक होने की संभावना बहुत रहती है। क्या वो दो चीज़ें हैं? पहला तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे अस्पताल में जाएं, जिससे आपको दवाई ठीक से लिख दी जाए। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत से डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ देयर एजुकेशन उसमें भी दवाएं सही मात्रा में, सही नंबर्स में, सही कॉम्बिनेशंस में नहीं लिखे जाते हैं। तो पहला तो गलती ये हो सकती है और दूसरी गलती पेशेंट साइड से। कभी कभी हम लोगों ने अच्छा खासा देखा है कि जैसे ही थोड़ी तकलीफ कम होती है तो मरीज़ दवा छोड़ देता है। तो मैं ये कह रहा था कि टीबी बिल्कुल एक ठीक होने वाला रोग है, बशर्ते आप अच्छे जगह जाएं, अच्छे अस्पताल में जाएं, सही दवाई आपको लिखी जाए और आप उन दवाओं का नियमित सेवन करें। जितना समय बताया गया है तब तक सेवन करें और दवाई को बीच में छोड़ें नहीं। इन शर्तों के संग टीबी 100% ठीक हो जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, लगभग 4500 लोग, 4500 लोग हर साल संसार में टीबी से मरते हैं। पिछले साल यानी 2017 में 16 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर गए। हमारे भारतवर्ष में भी लगभग हर दिन 1200 मरीज टीबी से मरते हैं और पिछले साल में 4 लाख से ज़्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरे हैं। सवाल हमेशा एक उठता है, एक बीमारी जो ठीक होने वाली है उससे इतने लोग मर क्यों रहे? कारण सिर्फ अगर मैं एक लाइन में बताऊं आप सबको, उसका कारण ये है कि टीबी का इलाज ठीक से नहीं होना, चाहे वो डॉक्टरों की गलती हो, चाहे वो मरीज़ की गलती हो या और इश्यूज़ हैं। जब दवाई पूरी तरह से नहीं होती है तो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब हम ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, यानी बैक्टीरिया जो है वो टीबी का जब दवाई छोड़ छोड़ के इंसान करता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। वो दवाएं जो सेंसिटिव जो बैक्टीरिया जो नॉर्मल दवाएं जो सेंसिटिव थे उससे वो अपना रास्ता बदल के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो MDR और XDR दो ऐसे ड्रग रेजिस्टेंस हैं जो बड़ा भयावह हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसे हम MDR भी कहते हैं, उसका जब दो दवाएं INH और रिफैम्पिसिन जो बहुत कॉमन दवा है जो टीबी में इस्तेमाल की जाती है और बहुत पोटेंट दवाएं हैं, इन दवाओं से जब रेजिस्टेंस हो जाता है उसे MDR टीबी कहते हैं। और MDR टीबी लगभग पिछले साल 6 लाख के आसपास MDR टीबी पूरे संसार में पैदा हुआ। भारतवर्ष में भी लगभग 1,35,000 पिछले साल MDR टीबी के केस बने। तो मेरा कहने का मतलब यह है, MDR टीबी बनता क्या है? MDR और XDR टीबी इसलिए बनता है
कि वो नए मरीजों का, सेंसिटिव मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पाना। तो एमडीआर टीबी का जहाँ तक प्रश्न है, इसका इलाज लंबा है। अब एमडीआर टीबी के अभी 2016 में शॉर्टर रेजिमेन एमडीआर टीबी का बन गया है, जो एमडीआर टीबी के नए मरीजों में जिनमें एक्सडीआर का कोई अंश ना हो उनमें ये रेजिमेन दिया जा सकता है। हमारे देश में भी चल रहा है और ये रेजिमेन 9 से 11 महीने का है। अदरवाइज़ एमडीआर टीबी का जो मेन रेजिमेन वो कन्वेंशनल या लॉन्गर रेजिमेन है, जो लगभग 2 साल का इलाज है। इसमें इंजेक्शन भी लगता है और इंजेक्शन जब एमडीआर टीबी में लगता है तो इंजेक्शन 3 महीने नहीं लग के, वो 90 सुई का जो माना गया, अब एमडीआर में सुई 6 से 9 महीने तक लगती है और एक्सडीआर टीबी में तो कभी और ज़्यादा साल भर भी लग सकता है। मेरे कहने का मतलब है एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी एमडीआर टीबी जब आगे ख़राब होता है उसे एक्सडीआर टीबी कहते हैं, और एक्सडीआर टीबी का मतलब एमडीआर टीबी तो होगा ही होगा, और उसमें फ्लोरोक्विनोलोन और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल का रेजिस्टेंस और पैदा हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने देखा है, पिछले 40 साल में एक्सपीरियंस किया है। अगर एमडीआर टीबी का इलाज अच्छे रेजिमेंट बना दिए जाएं, अच्छी दवाएं दे दी जाएं, मरीज 2 साल तक पूरा उसको खा ले, तो एमडीआर भी 60-70% लोगों में ठीक हो जाता है। एक्सडीआर मुश्किल है, उसमें भी 30-40% लोग सही हो जाते हैं। टीबी में पहले नई दवाएं नहीं थीं, अब पिछले 2-3 सालों से नई दवाएं जैसे वीराकुलिन, डीलामिनेट, ऐसी और बहुत सी दवाएं आ रही हैं, और टीबी का फ्यूचर, अब जैसे टीबी की दवाई में हमेशा एक शिकायत रहती थी, 2-3 शिकायतें रहती थी, एक तो बहुत लंबा इलाज है। अब नए ड्रग के आने की वजह से अब ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं कि शायद ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ड्रग रेजिमेन की। यूनिवर्सल ड्रग रेजिमेन का मतलब ये, नई दवाएं जो आई हैं बहुत पोटेंट हैं जैसे वीडाक्विलिन, अब इससे ये संभावना बढ़ गई है कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन में ड्रग यूज़ करें जो यूनिवर्सल ड्रग, हर टीबी मरीज के लिए एक ही दवाई हो सकती है, 3-4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है सेंसिटिव मरीज जो हैं उनमें वही दवाएं 3 से 4 महीनों में मरीज ठीक हो जाए, एमडीआर टीबी का मरीज 6 से 9 महीने में सही हो जाए, और एक्सडीआर टीबी का मरीज 1 साल या 1.25 साल में सही हो जाए। तो हमारा साइंटिस्ट काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि टीबी के इलाज जो लंबा था वो कम हो जाए। दूसरा एक और दुख टीबी के इलाज में होता है, सुइयां लगती हैं। पहले 90 लगती थी, अब जो सुई लगती वो 6 महीने से 9 महीने तक लगती है। बड़ा मुश्किल काम है रोज़ सुई लगवाना। तो अब जो गाइडलाइन नई अभी 2018 में 2-3 महीने पहले जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की गाइडलाइन आई है, उसमें यही 2 चीज़ें ट्राई की जा रही हैं। एक तो इन दवाएं सब ओरल हो जाएं, विदाउट इंजेक्शन हो जाएं, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, और दूसरा ड्यूरेशन कुछ कम किया जा सके। शॉर्टर ड्यूरेशन एमडीआर में मैं बता चुका हूँ, आ चुका हूँ, उससे भी कोशिश की जा रही है नए दवाओं के सहयोग से। शायद अगले 1-2 सालों में आप सुनेंगे कि दवाएं और कम समय में भी ये बेहतर काम कर सकती हैं। लेकिन मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि टीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है। टीबी एक ठीक होने वाला रोग है, अगर आप दवाई, अगर आपकी डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, लेट ना हो। अक्सर देखा गया है पहले लोग खुद जाके दवाई लाएंगे, डॉक्टर से डॉक्टर घूमेंगे, डायग्नोसिस होने में 3-4 डॉक्टर के बाद फिर वो सही जगह पहुंचता है, फिर जाके उसका डायग्नोसिस हो पाती है। तो अच्छा शुरू में डायग्नोस कराएं और पूरा इलाज करें, टीबी का पूरा इलाज संभव है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रोग्राम चला रही है जिसे हम रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, और इस प्रोग्राम के तहत हर तरह के मरीजों की दवाएं
और उनका डायग्नोसिस फ्री किया जाता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सिर्फ 50% रोगी ही सरकार की दवाएं सरकार के पास जाते हैं, 50% रोगी अभी भी बाहर दवाएं करते हैं। मेरी अपनी सबसे विनती है, मरीजों से एक अपील करता हूं कि भरसक कोशिश करें कि सरकारी अस्पतालों में जाएं, क्योंकि ये दवाएं फ्री हैं। एमडीआर और एक्सडीआर टीबी में तो 2 से 3 लाख का पैसा खर्च होता है, लेकिन सो गुड, अच्छी बात है कि सरकार इस समय बहुत कटिबद्ध है इन दवाओं को देने के लिए। और भी नई नई स्कीम सरकार में आई हैं, हर मरीज को अब 500 रुपया महीना खाने के लिए भी दिया जाने लगा है। इवन जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक, उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न किया गया है। मेरा कहने का मतलब है, सरकार चूँकि ट्यूबरक्लोसिस को एंड करना चाहती है 2025 तक, जो मैं हमेशा कहता हूँ काम बहुत मुश्किल है, बहुत आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं इस काम के लिए, लेकिन हर एक का सहयोग होगा, हर सेक्टर एक साथ मिल के काम करेगी, तो ऐसा नहीं है, असंभव नहीं लगता है, लेकिन मुश्किल है। इसमें बिना सबके सहयोग के इस टारगेट को प्राप्त करना किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल लगता है। और हम तो ये कहते हैं, अगर हम टारगेट तक नहीं भी पहुंच पाए, 2025 तक नहीं पहुंच पाए, तो हमने एक मोमेंटम दे दिया है, इस मोमेंटम से हम उसके नज़दीक तो पहुंच सकते हैं। तो मेरा भाइयों बहनों, मेरा एक ही आपसे अपील है, टीबी से डरे नहीं, टीबी जब भी हो तो अच्छा सा इलाज कराएं, पूरा इलाज कराएं, टीबी बिल्कुल ठीक हो सकती है।